पति ने अधिकारी बनाने को लगा दी पूरी जान। कामयाब होते ही पत्नी करने लगी दूसरों के साथ घर बसाने का प्लान। पूरा मामला सुनकर आप भी रह जाएंगे हैरान। मुख्यमंत्री योगी तक पहुंची बात, हो गया खुलासा। एडीएम साहिबा की निकल गई अकड़ और प्यार का नशा, अब नौकरी भी जाएगी। प्यार और बेउपाय की एक ऐसी सच्ची कहानी जिसे सुनकर आपकी आंखों में आ जाएगा पानी। दो मिनट का ये रिपोर्ट देकर आपका रिश्तों से विश्वास उठ जाएगा। प्रयागराज का दिल छोड़ देने वाला ऐसा ही एक मामला सामने आया है और ये खबरें पूरे देश में आज आग की तरह फैल रही है। प्रयागराज से ऐसा ही एक मामला सामने आया है, लेकिन इसके पीछे की हकीकत जब आप जानेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। प्रयागराज के डिग्रेड के कर्मचारी ने अपने पत्नी के लिए दिन रात मेहनत करने के बाद एसडीएम बनाया, लेकिन एसडीएम बनने के बाद पत्नी बेउपा हो गई और किसी दूसरे के साथ अपना नया घर बसाने का प्लान कर रही थी। इतना ही नहीं, एसडीएम साहिबा उस पति को जान से मारने की प्लान कर रही थी। जब उसको इस साजिश का पता चला तब जिन्हें वो उन दिन रात मेहनत करके अपने खून पसीने से कमाई को एक एक कर कर अफसर बनाया था, वो खुद बड़ा नहीं बन पाया, लेकिन अपने पत्नी को जरूर बड़ा बना पाया। इन दिनों ये खबरें पूरे देश में तेजी से फैली हुई है और अब ये खबरें मुख्यमंत्री आदित्यनाथ तक पहुंच चुकी है। जब प्रयागराज का रहने वाला आलोक कुमार मौर्य का साल सन 2009 में पंचायती राज विभाग में डी ग्रेड के पद पर चयन हुआ। साल 2010 में आलोक कुमार मौर्य की पोस्टिंग प्रतापगढ़ में हुई। बता दें कि साल 2010 में ज्योति के साथ शादी हो गई और वो आगे की पढ़ाई करने की इच्छा जताई। आलोक कुमार मौर्य ने अपने पत्नी के सपने को सच करने के लिए दिन रात एक कर दिया और अपनी छोटी सी तनख्वाह से पैसे कट कट कर पत्नी की पढ़ाई के लिए रुपए इकट्ठा किए। फिलहाल ज्योति मौर्य की पढ़ाई अच्छे से हुई और तैयारी के उपरांत पीसीएस की परीक्षा दी और 2015 में उसको जुड़वा बेटियां हुई। जी हां, उसको दो जुड़वा बेटियां और ठीक उसी दिन पीसीएस का रिजल्ट आया और ज्योति मौर्य का सिलेक्शन पीसीएस के एक अधिकारी के रूप में हो गया। पूरे घर में खुशी ही छा गई। ज्योति मौर्य ने सफलता का पूरा श्रेय अपने पति आलोक कुमार मौर्य को दिया। बता दें कि इस खुशी को लेकर ही सन 2019 में उमनगंज के हलवा में ज्योति मौर्य के लिए आलोक मौर्य ने पिता ने यानी उसके ससुर ने उसके रिटायरमेंट होने के बाद जो मिले पैसे से ज्योति मौर्य के लिए एक घर बनवाया। उस समय तक सब कुछ ठीक चल रहा था। इसी बीच में 2020 में मनीष दुबे नाम का आदमी जब इस दोनों के रिश्तों के बीच खलल डाल दी। पति आलोक कुमार मौर्य को आरोप लगाया कि उसके पति पर कोई शक हुआ और उसकी पत्नी ज्योति मौर्य का मोबाइल चेक किया। इसी बीच मनीष दुबे जो कि होमगार्ड कमांडेंट के पद पर तैनात था, बता दें कि उसी के समय उसी के साथ उसकी पत्नी ज्योति मौर्य के ओपन चैट सामने आई। इसका विरोध करने पर ज्योति मौर्य गुस्से से लाल हो गए और आलोक मौर्य ने समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। इसी बीच मनीष दुबे की पत्नी से मिलने का संपर्क किया, लेकिन वो भी नाकामयाबी हुई। जब बता दी कि उसके भी काफी कोशिश करने के बाद बात नहीं बनी।
22 फरवरी 2022 में सरकारी आवास PCS पत्नी ज्योति मौर्य और कमांडेंट मनीष दुबे को नंगे हाथ पकड़ा गया। इस घटना के बाद आलोक मौर्य की जान को खतरा था। इस कोशिश के बाद भी आलोक कुमार मौर्य वहां से भाग निकले। ज्योति मौर्य अपने पति आलोक मौर्य पर आरोप लगाती है कि मुझे भारी रकम मांगने की और बहुत बड़ा घर मांगने की डिमांड की है। इसी बीच आलोक कुमार मौर्य मुकदमा दर्ज कर दिया और उसमें व्हाट्सएप चैट का भी जिक्र किया है और हत्या की साजिश रखी गई, ऐसा ही आरोप लगाया। आलोक मौर्य ने जो सोशल मीडिया के सामने एक सीक्रेट डायरी दिखाई, जिसमें आलोक का दावा है कि उसकी पत्नी भ्रष्टाचार कर रही है। बता दें कि इस डायरी में पत्नी के भ्रष्टाचार के पूरे कलेक्शन का हिसाब किताब है। सामना हर दर ज़्यादा बढ़ा गया और ये मामला हद से ज़्यादा बढ़ गया और रिश्तों में बिखरना तय हो चुका। वही ज्योति मौर्य के डर सता रहा था कि योगी बाबा ने एक्शन ले लिया तो नौकरी ही न चली जाए और इसी तौर पर खैर जांच के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।